here I am with my package. बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो जो कि है नायका हॉल वीडियो। मैंने पहले भी नायका हॉल वीडियो आपसे शेयर किया था जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। आज मैंने बाय किया है कुछ कॉस्मेटिक्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट। एक डिस्क्लेमर है कि ये सारे प्रोडक्ट नॉन स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ मैंने अपने पैसे से बाय किया है। इन सभी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम देती रहूंगी, तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को कर लिया है सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये है मेरा नायका का पार्सल। इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग से एक ही बॉक्स में कर लिया है। मैं इसको ओपन करूंगी और स्टार्ट करूंगी सबसे पहले कॉस्मेटिक से। सो लेट्स सी कि मैंने कॉस्मेटिक में सबसे पहले क्या बाय किया है। कॉस्मेटिक में मैंने सबसे पहले बाय किया है एले गर्ल का प्रो कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। बेस्ट पार्ट इस प्रोडक्ट की ये है कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं वो सबसे पहले सूख जाते हैं, इसीलिए वो हमारे यूज में नहीं रहते, बट ये बहुत ज्यादा टाइम बाद सूखता है और ये बहुत अच्छा है। इसका कहते हैं, मैं दिखा देती हूँ कि इसका ये आपको ऐसे यूज करना होता है। आपके ब्रश टाइप का इसमें पहले से स्ट्रक्चर दे रखा है और इसी से आपको इस कंसीलर को यूज करना रहता है। आप इसको प्रेस करते जाएंगे और ब्रश में क्या कहते हैं प्रोडक्ट आता जाएगा। ये बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पता नहीं क्यों मुझे कहते हैं ये प्रोडक्ट चाहिए था। एक्चुअली मैं नॉर्मल डाबर का गुलाब जल यूज करती हूँ, बट ये मंत्रा का कहते हैं गुलाब अर्का, अर्क या अर्का करके आता है, इंडियन रोज वाटर ऑथेंटिक आयुर्वेदा। मुझे एक ऐसा चाहिए था। दूसरी चीज ये कि मुझे इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि ये प्राइस आप देख ही रहोगे 650 के आसपास इसका प्राइस था। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि इसमें और जो मैं नॉर्मल डाबर का गुलाब जल यूज करती हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। डेफिनेटली कहते मैं इसको पूरी बॉटल यूज करूंगी और तभी रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ कि इसमें और डाबर के गुलाब जल में क्या डिफरेंस है, तभी मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी आपसे शेयर करूंगी। सो ये था मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। नाउ कम टू द थर्ड प्रोडक्ट। काफी टाइम से मेरे पास नेल पेंट कहते हैं खत्म नहीं थी। मेरे पास कुछ नेल पेंट थी जो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ओल्ड हो चुकी थी, ओल्ड इन द सेंस कि वो सूख रही थी। और प्लस मुझे न्यूड शेड बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे अलग कुछ न्यूड शेड चाहिए था। आई डोंट नो कि ये बाय वन गेट वन था या नहीं, बट मेरे पास ये डबल आया है। पे मैंने एक ही का किया है बट ये डबल आया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। नो डाउट नायका के नेल पेंट अच्छे होते हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। कोई भी अभी तक मैंने दो तीन और भी कलर यूज किए हैं, मुझे कोई भी कंप्लेन नायका के नेल पेंट से नहीं रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं। प्राइस आपको कहते हैं ऊपर मैं हर एक प्रोडक्ट का दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जो मैंने फोर्थ प्रोडक्ट बाय किया है वो है टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश। मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, बट मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का है, आई थिंक हाँ ये वेट एंड वाइल्ड का है। मुझे एक टेपर्ड ब्रश चाहिए था तो मैंने अपने लिए इसको बाय किया है। प्राइसिंग आप ऊपर चेक कर सकते हैं। ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ प्रोडक्ट। लुक, इसका मैंने ब्लैक वाला यूज किया है जिसपे मजेंटा कलर से नाम लिखा रहता है। ये मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे वाटर प्रूफ एक मस्कारा चाहिए था, इसलिए मैंने मेबलिन का कोलोसल मस्कारा बाय किया है। प्राइसिंग इसकी इसपे मेंशन है 405 405 रुपए, बट यस नायका पे 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है कॉस्मेटिक्स पे, तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से प्रोडक्ट की बाय लिंक है, तो आप अपने लिए जो सभी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं उसको वहां से बाय कर लीजिएगा। सो अगेन ये था मेरा फिफ्थ। नाउ लुक, चेक करते हैं कि अब क्या मैंने नेक्स्ट बाय किया है। मैंने सिक्स प्रोडक्ट जो बाय किया है वो है मैबलिन की बेबी लिप्स। कुछ ज्यादा मैबलिन हो गया आई थिंक, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ सो ये मैं इसको यूज कर रही हूँ अप्रॉक्स 4 और 5 ईयर से। बहुत सारे मैंने लिप बाम यूज किए बट इसका
प्यार मेरे से छूट नहीं रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला लिप बाम। और प्लस ये रहता है कि अगर मुझे लिपस्टिक नहीं वेयर करनी है तो इसपे कलर भी रहता है तो वो मेरा दोनों चल जाता है। और दूसरी चीज जो बेस्ट चीज इस कहते हैं मैबलिन की है SPF 20, जैसे आपको चेहरे के लिए SPF की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही आपके लिप्स के लिए भी SPF की रिक्वायरमेंट होती है। और ये देते हैं SPF 20 जो कि बेस्ट 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 है। प्राइस आपको ऊपर मिल जाएगा, जो इसके प्राइस मेंशन है इसमें मुझे दिख नहीं रहा प्राइस, आई एम सो सॉरी। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स में मैंने नेक्स्ट खरीदा है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्टिंग मेकअप प्राइमर। प्राइमर मेरे पास दो और भी हैं बट मुझे लैक्मे का ट्राई करना था। मैंने सुना है कि इसमें कहते हैं थोड़ा सा कलर भी आता है फाउंडेशन का, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था ताकि मैं सिर्फ प्राइमर से भी कभी कभी कहते हैं अगर मुझे नहीं फाउंडेशन लगाना है, BBCC क्रीम नहीं लगानी है, मुझे कुछ कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था। प्लस मुझे लैक्मे का ये प्राइमर चेक करना था रिव्यू पर्पज से भी, इसलिए मैंने इसको बाय किया है। प्राइसिंग अगेन ऊपर मैं मेंशन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स में मैंने बाय किया है अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये है लैक्मे का पीच मिल्क, अल्टीमेट प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। चेहरे पे लगाने के बाद एकदम से पता नहीं चलता कि आपने चेहरे पे किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर लगा रखा है, बिल्कुल भी आपको चिकनी वाली फीलिंग नहीं आएगी। प्लस मेकअप करने के लिए मॉइस्चराइजर सबसे पहले किसी भी मौसम में लगाना जरूरी होता है और ये बेस्ट वर्क करता है, बेस्ट। अभी तक मुझे जितने भी मॉइस्चराइजर थे उनमें ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट मेरे पास बहुत टाइम से क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर के लिए मैं चाहती थी कि कोई एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट मैं यूज करूं फॉर क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तो मैंने बाय किया है ये बायोटिक का। ये है इनका टोनर और ये है इनका क्लींजर और ये है इनका मॉइस्चराइजर। सो मैंने कहते हैं इस किट को बाय किया है। प्राइस इसका मैं दे दूंगी कि ये तीनों का प्राइस अलग अलग भी दे दूंगी और एक साथ भी दे दूंगी कि इसका प्राइस क्या है। मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने काफी पहले यूज किया था, तो जब अगेन मुझे कुछ ऐसा बाय करना हुआ तो मैंने अगेन इसको बाय कर लिया है। इसका रिव्यू अच्छा ही है, पहले यूज कर चुकी हूँ, कोई भी मुझे इससे कंप्लेन ऐसी नहीं थी। अगेन मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगी करीब 2 साल बाद और देन मैं इसका रिव्यू आपको दूंगी, क्योंकि 2 साल पहले ही क्या देते थे और अब क्या दे रहे हैं नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये है इन्होंने बॉक्स में दिया था, ये है आपके ब्लेंडर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेंडर्स। मेरे पास कोई भी किसी भी तरह का ब्लेंडर नहीं था। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इस वाले बॉक्स में दिए हैं, पैकेजिंग जिसकी काफी अच्छी है। एंड द बेस्ट थिंग कि इन्होंने इसको क्लीन करने के लिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इन्होंने इसको क्लीन करने के लिए ये भी दिया हुआ है। सो आपका एक मेरे पास था ब्लेंडिंग ब्रश, छोटे छोटे थे बट वो किसी भी अच्छे ब्रांड के नहीं थे। इनका ब्रांड कहते हैं आई थिंक बाहर की पैकेजिंग से हट गया है, बट इसमें ब्रांड और प्राइस दोनों में मेंशन कर दूंगी। और इनके जो कहते हैं ब्लेंडर है ना, ये बहुत अच्छे हैं और ये सारे कहते हैं उसके हैं, मींस सारे स्ट्रक्चर के जितने भी तरह के ब्लेंडर होते हैं वो सारे हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे कहते हैं बहुत ही अच्छा लगा और बेस्ट लगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से कहते हैं ये बॉक्स भी दिया है इसमें, तो इधर उधर नहीं होगा, मेनली ये है कि एक जगह पे रख देंगे और क्लीनिंग के लिए इन्होंने कहते हैं जो दिया है वो तो कॉस्मेटिक्स से मैंने नेक्स्ट ये बाय किया है। उसके बाद मैंने बाय किया है, मुझे एक फाउंडेशन चाहिए था, पहले भी मैं फिटमी का यूज कर चुकी हूँ, मैंने अगेन कहते हैं फिटमी का ये फाउंडेशन बाय कर लिया है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनका फॉर्मूला मैट और पोरलेस है, मैट प्लस पोरलेस, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है इनका। आप अपने लिए अगर फर्स्ट टाइम कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है, काफी अच्छा है। हाँ एक चीज कहते हैं यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको अपना शेड नहीं पता है, अगर आपको अपना शेड नहीं पता है तो आप प्लीज कहते हैं ऑनलाइन मत बाय कीजिएगा, क्योंकि अगर गलत आ गया तो आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। अगर आपने गलत लगा लिया, ज्यादा आपने लाइटर शेड बाय कर लिया तो आप बहुत सफेद लगोगे, और अगर आपने डल शेड या नीचे का शेड बाय कर लिया तो आप बहुत सांवले लगोगे। तो इसमें आपको कहते हैं बाय तभी करना चाहिए ऑनलाइन इसको जब आपको अपना कहते हैं जो शेड है वो परफेक्टली पता हो।
नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट मैंने बाय किया है लैक्मे एब्सोल्यूट की नाइट क्रीम। इस नाइट क्रीम को मैं काफी टाइम से लगा रही हूँ। जो मैंने कहते हैं इसमें रिकग्नाइज किया है कि क्या चेंजेस इसने मेरे स्किन में लाए, वो ये है कि जिस दिन मैं नो डाउट जब मैं इसको लगाती हूँ तो लगता है कि आपने कुछ ना कुछ चेहरे पे आपने अप्लाई किया है, ये ऐसा फील कराती है। बट मॉर्निंग में ये आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा लाइक टाइटन करती है। ये नाइट क्रीम मुझे जो मैंने रिकग्नाइज किया इससे चेहरा जो है वो थोड़ा सा क्लीन लगता है, प्लस एक व्हाइट कास्टिंग भी ये प्रोवाइड करती है। मैं अभी तक ये रिकग्नाइज नहीं कर पाई कि इसने मेरे चेहरे पे इसके अलावा क्या चेंजेस लाए हैं, बट मैं नाइट क्रीम एक यूज करती हूँ तो मैंने लैक्मे का ये यूज किया है। और अप्रोक्स क्या कहते हैं, ये मेरी सेकेंड बॉटल है, फर्स्ट बॉटल ऑलमोस्ट खत्म है, उसमें अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा होगा। सो ये मैंने अगेन अपने लिए बाय किया है। ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा मुझे, कॉस्टली है नो डाउट, बट एक नाइट क्रीम मैं यूज करती हूँ तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, रिव्यू मैं इसका दे दूंगी, बट अभी तक मैंने इतना ही कहते हैं इस प्रोडक्ट के लिए अपने स्किन पे चेंजेस देखे हैं। अगेन जो प्रोडक्ट है वो है बीट का रेडी टू यूज इंस्टेंट वैक्सिंग किट। ये बहुत ही अच्छी चीज है लॉकडाउन के लिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए वैक्सिंग करानी होती है। मैंने इसको अपने हैंड के लिए यूज किया है एंड लेग के लिए यूज किया है, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छे से कहते हैं वैक्स हो जाता है, मेरे लिए ये परफेक्टली वर्क करती है। मैंने इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगेन लखनऊ में तो अगेन लॉकडाउन कहते हैं 8-10 बजे से शुरू हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है फिलहाल के लिए, तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी चलेगा लॉकडाउन और अभी पार्लर में जाना सेफ भी नहीं है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। यू कैन बाय बिकॉज आई हैव यूज्ड ऑलरेडी इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओ कॉस्मेटिक्स में मैंने जो अगेन बाय किया है वो कारा का नेल पेंट रिमूवर है। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको 3 बॉक्सेस यूज कर चुकी हूँ, ये मेरे खत्म हो चुके थे इसलिए मैंने यूज किया है, इसलिए मैंने इसको बाय किया है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है तो आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। ये मेरे दोनों हाथों के लिए सिर्फ एक वाइप्स लगती है और ये बहुत अच्छे से चलती है। एंटी रोनलेस आप एक से ज्यादा लोग ना यूज करें, मेरी सिस्टर ने इसको यूज कर करके खत्म कर दिया है। सो नाउ नेक्स्ट मैंने जो बाय किया है, यस मुझे ये कहते हैं टोनर चाहिए था और ये मैंने बाय किया है और लैक्मे का एब्सोल्यूट पोर फिक्स टोनर। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये इस तरह की बॉटल में आता है, इसको मैं यूज करती हूँ मेकअप फिक्सर की तरह भी, प्लस कहते हैं ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। नो डाउट कि ये वर्क करता है, इस पे बहुत ज्यादा रब मत कीजिएगा बट और दूसरी चीज, इसको अगर आपने फ्रिज में रख के यूज किया ना, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही मजा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बट मेकअप फिक्सर और प्लस टोनर, इसको मैं यूज दोनों रूप में करती हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट है, लगता है अच्छी ब्रांड है वैसे। हाँ अभी कॉस्मेटिक्स में मैंने नेक्स्ट जो बाय किया है नेक्स्ट मैंने कहते हैं ये कॉटन पैड्स लिए हैं, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्मेटिक में नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये BNH का लिप बाम, ये बबल गम वाला लिप बाम जो होता है वो ये है। प्राइस एंड ब्रांड इसकी मैं मेंशन कर दूंगी, बिल्कुल बबल गम जैसे इसकी स्मेल है, बहुत ही ज्यादा, ओ माय गॉड बहुत मजा आ गया। नाउ चेक करते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने क्या बाय किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया है लॉरियल पेरिस का पोमेड। लुक ये बहुत ही कहते हैं गजब का प्रोडक्ट है, इतना मजा आएगा आपको अगर आपके आईब्रोज कहते हैं हल्के हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। प्लस कहते हैं इसमें दो कहते हैं आपको शेड मिलते हैं, मैंने इसमें डार्क वाला शेड अपने लिए बाय किया था लेकिन मेरी जो आईब्रोज है वो लाइट कलर की है, फिर भी मैंने जो इनका डार्क इबोनी करके इनका शायद ये शेड है, मैं चेक करके बताती हूँ, 106 इबोनी।
ये 106 इवोनी है और ये मुझे बहुत ही परफेक्टली मेरे आईब्रो के कलर से मैच करता है और बहुत अच्छे से फील करता है। इसको लगाना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई भी जो जिसने न्यू मेकअप शुरू किया है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे आ चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आई थिंक मेरे सारे कॉस्मेटिक्स की चीजें खत्म हो गई। एक चीज और रह गया है, मैंने ये बाय किया है माइसिलर वाटर, मेरे पास ये खत्म हो गया था इसलिए मैंने बाय किया है इसको। ये है गार्नियर का स्किन नेचुरल्स, गार्नियर स्किन नेचुरल्स करके आता है, ये मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, बहुत ज्यादा अच्छा है प्रोडक्ट, इसलिए मैं इसको ऑलवेज ऑलवेज बाय करती हूँ। जब भी ये खत्म होता है मैं इसको तुरंत बाय कर लेती हूँ। अब आते हैं स्किन केयर। ओके, सो ये मुझे याद नहीं कि मैंने ये हेयर कलर नायका से ही बाय किया है या नहीं, बट नायका पे भी ये अवेलेबल है आई थिंक। लॉरियल पैरिस का, मैंने इसमें लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस नो अमोनिया, ये काफी अच्छा है, 550 ओनली, 630 से कहते हैं इसका प्राइस, 550 अभी करंटली है। सो आप इसको भी नायका पे चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, बाय लिंक वहां पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट ये मैंने नायका से ही बाय किया है, इसका कलर कहते हैं इंटेंस रेड है, 6.60, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी कहते हैं मुझे रूट टचअप की रिक्वायरमेंट एक्चुअली में कभी कभी होती है तो मैं इसको यूज करती हूँ, मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा, तो नो डाउट आप इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी बाय लिंक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप सभी कहते हैं इसको जरूर देखे होंगे, बहुत सारे लोग तो इसको यूज भी कर रहे होंगे, ये हिमालय का कहते हैं प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है। मैं इस प्रोडक्ट को आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मुझे कभी कोई कंप्लेन करने ही नहीं दिया कि मेरी स्किन इसको लगाने के बाद ड्राई हो जा रही है, ये मेरे पिंपल्स नहीं कवर कर रहा है, ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। अगर इसने कुछ बिगाड़ा बनाया नहीं तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब बहुत ही ज्यादा आपको कहते हैं ना कि बगल में चलने वाला, वो उस टाइप का प्रोडक्ट है। आई डोंट नो कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं, बट नो डाउट ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश चाहते हैं तो आप हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पास बहुत सारे फेस वॉश है, मैं बहुत सारे ब्रांड को चेक करती रहती हूँ, बट ये ऐसा है जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। सो मैंने आज जैसा आप देख रहे हैं इसका मैंने बड़े वाला बॉटल ही मंगाया है, ये मुझे लगता भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट में मंगाया है वाव का एलोवेरा जेल, मेरे पास एलोवेरा जेल खत्म हो गया था इसलिए मैंने वाव का एलोवेरा जेल मंगाया है। ये 99% एलोवेरा जेल है, बहुत प्योर है, इसलिए मैंने इसको ट्राई करने के लिए मंगाया है। वैसे मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, मेनली मैं बाबा रामदेव का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, ग्रीन वाला, केसर वाला नहीं, ग्रीन वाला, वो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद स्किन केयर में नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है, मेरे पास स्क्रब कहते हैं खत्म था, सो मैंने ये एक्टिवेटेड चारकोल स्क्रब मंगाया है वाव ब्रांड का ही, ये नो पैराबिन और मिनरल ऑयल है, काफी अच्छा है, मीन्स इसमें पैराबिन नहीं है, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, क्योंकि जो भी आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज करते हो अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए उसमें कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन को लॉन्ग टर्म्स में बहुत ही ज्यादा हार्म भी पहुंचाते हैं, तो आपको कोई भी कॉस्मेटिक बाय करने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बहुत अच्छे से चेक करनी चाहिए। ओके, सो प्राइस मैंने मेंशन ही कर रखा है, आप चेक कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई थिंक कॉस्मेटिक मेरे अब सारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट मैंने जो बाय किया है वह है फियामा शावर जेल, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बाय किया है, ये मैंने खुद के लिए बाय किया है। इसके मैंने जितने भी आते हैं एवोकाडो और ब्लैक करंट और बहुत सारे इसके आते हैं, मैंने वो यूज किया है। आप डेफिनेटली कहते हैं इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, आप अगर आप शावर जेल यूज करते हैं या बॉडी शैम्पू यूज करते हैं तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर दीजिएगा, ये बहुत 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 अच्छा है। सो नाउ ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट सभी मेरे जितने भी कॉस्मेटिक्स और जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने बाय किए थे वो सभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो आपने एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। लोग कोरोना में बहुत ज्यादा कहते हैं चीजें खराब हो रही है, प्लीज अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।